देखो भैया, अगर आप फेसबुक पर स्टोरी लगाते हो तो आप ये वाली गलती जरूर करते होंगे। वो गलती क्या है, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा और वो गलती करना आप बिल्कुल छोड़ दोगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल कर लीजिए और अपने भाई को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। देखो भैया, हम बताएं आप गलती क्या करते हो और कहाँ करते हो। जब आप अपने व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगाते हो और आपको वो स्टेटस पसंद है और आप वही स्टेटस को आप अपनी फेसबुक स्टोरी पर लगाना चाहते हो, तो आप अपने जो व्हाट्सएप के स्टेटस से डायरेक्ट अपनी फेसबुक स्टोरी लगा देते हो यहाँ से। तो आपको ये नहीं करना है, ये वाली गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि हम जब भी कोई फ़ोटो या फिर कोई वीडियो हमारी व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। और व्हाट्सएप स्टेटस से ही हम डायरेक्ट फेसबुक स्टोरी लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, मतलब जो कम क्वालिटी वाला फ़ोटो या फिर कोई वीडियो होता है वही हमारी फेसबुक स्टोरी पर जाता है तो वहाँ पर भी हमारी वीडियो या फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है और हमारे व्यू कम आते हैं। तो भैया, 90% लोग यही करते हैं कि जो हमारा व्हाट्सएप स्टेटस होता है वहीं से डायरेक्ट फेसबुक स्टोरी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फेसबुक स्टोरी अलग से लगाना चाहिए ताकि वहाँ पर उसकी क्वालिटी बनी रहे अच्छी। व्हाट्सएप पर भी तो क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, कुछ भी डालो आप व्हाट्सएप पर, स्टोरी लगाओ या फिर किसी को भेजो तो वहाँ पर क्वालिटी बिल्कुल घटिया हो जाती है। तो भैया, मैंने तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस से डायरेक्ट फेसबुक स्टोरी लगाना बंद कर दिया, आप भी कर दो। अगर आपको लगाना है तो डायरेक्ट लगाया करो स्टोरी, वहाँ से आपकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।